अस्सलाम वालेकुम साथियों। साथियों इस वक्त अभी 11:30 हुए रात के, और हमारा पूरा इलाका जो है वो अजान की आवाज़ से गूंज रहा है। और इस वक्त जो फ़ज़ा है, फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंज रही है, और हम सब मिलकर सदा दे रहे हैं अपने रब अपने रहमान से, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर, मुसलमानों पर, पूरे इंसानियत पर जो बुरा वक्त, जो एक आजमाइश डाली है, अल्लाह ताला हम सबको उस आजमाइश के हम काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश अल्लाह ताला हमें उस इम्तहान से निबरत आजमा करे। अल्लाह ताला जहाँ अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में, हमारी पूरी दुनिया में, हर जगह जहाँ भी रिस्क देता है तो देता है, हमारे हुक्मरानों में, हमारे किसी के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके, किसी का आसरा बन सके, किसी को छत दे सके, किसी को 2 वक्त की रोटी दे सके, किसी बीमार को इलाज की सहूलत दे सके। या अल्लाह पाक, तूने पाकिस्तान आज़ाद किया, तूने हमें आज़ादी दी, तूने हमें जीने की राह दिखाई, तूने हमें पैदा किया दुनिया। आज़ानों के सदके अल्लाह मियाँ हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और हमें माफ़ कर दे, और हमें इस समाजी तन्हाई, हमें घरेलू तन्हाई, हमें समाजी तन्हाई, हमें दुनियावी तन्हाई, हमें दीनी तन्हाई, हर तन्हाई से हमें निजात दे अल्लाह मियाँ। किसी एक इंसान, किसी एक मुसलमान, किसी एक जानदार के साथ कुछ ना हो अल्लाह मियाँ। हमें नहीं पता कोरोना क्या है क्या नहीं अल्लाह मियाँ, तो हमें। साथियों आपको आवाज़ आ रही होगी अजानों की, और इस वक्त आपके इलाकों में भी अजान भैया वक्त चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इन अजानों के सदके हमारे हाल पर रहम फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद।